गाजीपुर सत्य खोज में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में मेरे वीडियो को लाइक करना न भूले। तो दोस्तों, आज हम आम के फायदे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आज हम मित्रों आपको एक आम की रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। आम की रोचक कहानी जाने गर्मियों में आप इनके कितने फायदेमंद होते हैं। फलों का राजा। नई दिल्ली जागरण स्पेशल में आम फलों का राजा कहा जाता है आम। आप आम खाने के शौकीन हैं और मोटापे से भी ग्रस्त हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आम का आप आम खाकर अपना वजन घटा सकते हैं। आम से संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसके साथ यह आहार संबंधी फाइबर, विटामिन B6, विटामिन ए और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और आपके लिए खाने और आपको स्वस्थ वर्धक फायदे हैं। आम के सेवन के समय इस बात का ध्यान रखें कि आम की तासीर गर्म होती है, अतः आम के लिए साथ में दूध का प्रयोग करना चाहिए। यदि इसका सेव बनाया जा रहा है तो आम को टुकड़ों में शुगर और थोड़ा सा दूध मिलाकर पीना लाभदायक होता है। आम न सिर्फ यह स्वादिष्ट और रसीले फल होता है बल्कि गुणों की खान है। आम के पेड़ की पत्तियाँ, तने और गुठलियाँ बड़ी काम की चीज़ होती हैं। यदि यह शुद्ध देसी पेड़ भारत भूमि पर पिछले 4000 वर्षों से फल फूल रहा है, यह मौसम आम का है और हर घर में इसका सेवन हो रहा है, बड़े काम का है। आम आम के फल में विटामिन ए और प्रचुर रूप में पाए जाते हैं। कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज का भंडार है। पत्तियाँ विटामिन ए और विटामिन बी का स्रोत है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियन और सूक्ष्म जीवरोधी गुण होता है। पत्तियाँ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मददगार होती हैं। पथरी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में आम की पत्तियाँ दवा का काम करती हैं। यह पत्तियों को छनकर आने वाली जो हवा है बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीवों से रहित होती है। इसकी गुठली खून और संचार को सुधारती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करती है। पेड़ की छाल डायरिया के इलाज में काम आती है। आम्रफल से बना हुआ मैंगो आम्र। आम के पेड़ की उत्पत्ति 2.5 और 0.3 करोड़ वर्ष पहले पूर्वोत्तर भारत में हुई, यहाँ दक्षिण भारत पहुँची और इसका नाम दिया गया आम्र फल। वैदिक साहित्य में इसे रसाला और साकारा नाम भी जाना जाता है। पुराणों में आम के पेड़ को गिराना बुरा बताया गया है। दक्षिण भारत में इसका नाम आम काय को गया है, अप्रभस होते हुए नाम माम काय हो गया है। पुर्तगाल यहाँ पहुँचे जो इससे प्रभावित हुए और इसे अपने साथ ले गए और नाम दिया मैंगो। समृद्धि का प्रतीक आम को संपन्नता एवं भाग्य का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि पूजा अर्चना और इस आम की पत्तियों को कलश के ऊपर सजाया जाता है। घर के द्वार में आम की पत्तियों को तोड़ा बांधा जाता है। आम खाने के फायदे। आम विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है जो हड्डियों को मजबूत करता है। आम केवल वजन घटाने के सहायता नहीं है बल्कि त्वचा का रंग गोरा करता है। इसलिए नाश्ते और फास्ट फूड में स्लाइस की जगह आम खाया जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके यहाँ पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।